नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए मैथ का जो एनसीईआरटी है, बुक है, उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से आप सभी के लिए कराने जा रहा हूं। तो ये जो है हमारा इन्वर्स फंक्शन चैप्टर है और एक्सरसाइज 2.1 है। इसके लिए मैं बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक सूत्र जो है, जितने भी इस 2.1 से संबंधित है, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। उसको अच्छी तरह से पहले सूत्र को देखें, फिर एक्सरसाइज को मैं इसमें आपको जो बताने जा रहा हूँ इसको देखिए, ताकि आपका पूरा क्लियर यानी कि जो क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे कौन सा सूत्र लगाना है, ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। और उसको जिससे क्या हो, आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है ना। आपको मैथ एकदम थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा, बस एकदम बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारा 2.1 को स्टार्ट करते हैं। ये मुख्य निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये साइन इन्वर्स -1/2। तो बस आपको ये जो दिया है ना, एक्स मान लीजिए, ठीक है, ये इधर से इन्वर्स हटा तो उधर जाता है, तो इन्वर्स हट जाता है। इधर से जब इस तरफ से उस तरफ जाता है ना, तो इन्वर्स खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि नहीं बुझाता है आपको दोस्तों, ये देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, या नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, ये माइनस था तो प्लस, यानी कि इन्वर्स खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये -1/2, तो इस ये 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन π/6 का मान होता है, ये आपको सूत्र में बताया गया होगा, ठीक है ना। यानी कि ये कितना का मान होता है, तो साइन आपका 30 का मान होता है, ठीक है ना, यानी π/6। तो यहाँ पे देखिए, ये साइन से साइन खत्म, यानी कि एक्स का मान आया गया -π/6, यही इसका राइट आंसर। अतः आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो गया, -π/6 हो गया, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि कॉस इन्वर्स √3/2, ये इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये कॉस इन्वर्स है तो उधर गया, तो इन्वर्स खत्म हो गया, एक्स हो गया, ये इसको √3/2, और ये √3/2 कॉस कितना का मान होता है, तो π/6 का मान होता है। ये तो आपको सूत्र पहले ही बता दिया हूँ, उसमें से आप याद करके आपको इसको लिखना है। कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, π/6। तो यानी कि कॉस इन्वर्स √3/2 का मान कितना आ गया, π/6 आया कि नहीं। अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए कॉसेक इन्वर्स 2, तो ये कॉसेक इन्वर्स 2 है ना, तो इसको एक्स मान के चलते हैं, ठीक है ना। और ये इन्वर्स है तो उधर गया, तो क्या हो गया, कॉसेक एक्स, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, यानी कि अब कॉसेक ये कितना का कॉसेक मान होता है, कॉसेक कितना का मान होता है, 2, तो π/6 का मान होता है। तो कॉसेक से कॉसेक खत्म, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया, π/6 आ गया ना। तो बस आपका कॉसेक इन्वर्स 2 कितना का मान, इसका मान क्या आएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टेन इन्वर्स -√3, तो टेन इन्वर्स इसको आप एक्स मान के चलिए, इधर से टेन इन्वर्स उधर गया, तो टेन का इन्वर्स खत्म, यानी कि टेन एक्स है, ये √3 आ गया। ये देखिए टेन एक्स हो गया, ये माइनस, और ये कितना √3 कितना का मान होता है, ये टेन 60 का, यानी कि π/3 का होता है। टेन से टेन खत्म, यानी कि एक्स का मान क्या आ गया, -π/3, यानी कि टेन इन्वर्स -√3 का मान क्या हो गया, -π/3, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला सवाल, यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इन्वर्स -1/2। देखिए हम आपको सूत्र में बताया था, कॉस दिखे, सेक दिखे और कॉट दिखे, माइनस में दिखे यहाँ पे थीटा के स्थान पे, तो उसके लिए पाई में से उसका मान घटाना पड़ेगा। तो पहले चलिए इसको मानते हैं, एक्स बराबर ये मान लिए, इन्वर्स हटा तो इधर गया, तो इन्वर्स खत्म हो गया। ये माइनस में दिख रहा है थीटा, तो मैं क्या बोला था, ये कॉस कितना का मान होता है, तो π/3 का मान होता है। तो ये माइनस में दिखेगा तो पाई में से उसको घटाना पड़ता है, तो पाई में से घटाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो पाई -π/3। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 में पाई से गुना करिएगा तो 3π होगा, और 3π में से 1π घटाइएगा कितना होगा, 2π होगा कि नहीं। तो ये आपका आ गया 2π/3। ये कॉस से कॉस खत्म, यानी कि एक्स का मान क्या आ गया, 2π/3 आ गया। तो यही इसका कॉस इन्वर्स -1/2 का मान कितना हो गया, 2π/3। तो बस याद रखना है दोस्तों कि जब भी आपको अगर कॉस माइनस में दिखे इन्वर्स छिट्टा, तो पाई में से आपको घटा के जो मान होगा ना 1/2 कितना का, π/3 का, तो उसको पाई में से घटा के यानी घटाने पर 2π/3, यही इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं, टेन इन्वर्स -1, तो टेन इन्वर्स -1 कैसे होगा, तो बस आपको इसको एक्स मान लेना है, इन्वर्स हटा तो इधर गया, तो टेन एक्स हो गया, -1 हो गया, तो ये टेन एक्स हो गया, ये माइनस ऐसे ही छोड़ देंगे, और टेन कितना का मान 1 होता है, π/4 का। यहाँ पे क्यों नहीं पाई में से घटा है, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सेक
कॉस और कॉट के लिए होता है, और सबके लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको माइनस में ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे टेन एक्स और यहाँ पे माइनस टेन पाई बाई फोर, तो ये टेन से टेन खत्म, तो एक्स का मान क्या आ गया पाई, माइनस पाई बाई फोर। तो बस टेन इनवर्स माइनस वन का मान कितना होता है, तो माइनस पाई बाई फोर, यही इसका राइट आंसर हो गया। अब अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर सेवन, सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, तो इसको आप एक्स मान लीजिए और इधर से देखिए इन्वर्स उधर जाएगा, तो ये इन्वर्स हट जाएगा ना, सेक इन्वर्स था तो इधर सेक एक्स हो गया, और ये दो बटा रूट थ्री कितना का मान होता है सेक में, तो देखिए कितना का मान होता है, तो आपको सारणी मान में से देख के लिखना है, यानी कि याद कर लीजिए, क्या बार बार आप देखते रहिएगा। तो ये सेक से सेक खत्म हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया पाई बाई थ्री, सॉरी पाई बाई सिक्स। तो ये सेक इन्वर्स दो बटा रूट थ्री ये कितना का मान होता है, तो पाई बाई सिक्स का, ये इसका मान कितना होगा, तो आपका आ गया पाई बाई सिक्स, यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, आठ नंबर की, कॉट इन्वर्स माई रूट थ्री, तो इसको आप मान लीजिए एक्स, ये तो माइनस में नहीं ना है कि पाई में से घटाना पड़ेगा, तो नहीं है, तो और अच्छा, तो ये इन्वर्स उधर गया तो हट गया, एक्स हो गया, यानी कि थ्री रूट थ्री, और यहाँ पे देखिए कॉट एक्स, ये कितना का मान होता है कॉट, तो कॉट पाई बाई सिक्स का, ठीक है ना। तो कॉट पाई बाई सिक्स, तो कॉट से कॉट खत्म हो गया, तो एक्स ये पाई बाई सिक्स रख दिए, ठीक है। तो एक्स का मान क्या कर दीजिए, अब यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया, यानी कि कॉट इन्वर्स रूट थ्री कितना का मान होता है, यानी कि पाई बाई सिक्स होता है, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, सॉरी नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, कॉट इन्वर्स माइनस वन, तो ये माइनस वन बटा रूट थ्री है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, और मैं बोला था ये इन्वर्स हटा तो इधर आया, तो कॉट एक्स हो गया, ये माइनस में दिया है ना, तो इसको मैं बोला था ना कि ये कितना का पहले मान होता है, कॉट कितना का मान है, तो पाई बाई फोर का मान होता है ये, ठीक है ना, कितना का मान होता है, पाई बाई फोर का मान होता है, नहीं इसमें ये, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मान होता है ये वन बटर रूट थ्री, वन बटर रूट टू, ये कॉस में ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा, कॉस, ठीक है, कॉस, ठीक है ना, तो ये आपका कॉस हो गया, ये सब हो जाएगा कॉस, तो बस कॉस भी रहता चाहे कॉट भी रहता, तो माइनस में थीटा देता है, तो क्या करना पड़ता है आपको, पाई में से उसको घटाना पड़ता है, ये पाई बाई फोर का मान है ना कॉट कॉस का, तो बस पाई बाई फोर को क्या करना, पाई में से घटाइए, तो घटाइएगा तो देखिए चार में पाई से गुना करिएगा, चार पाई, इसमें से एक पाई घटाइएगा तो तीन पाई बट्टा फोर हो गया कि नहीं, ये कॉस से कॉस खत्म, तो एक्स बराबर क्या होगा थ्री पाई बाई फोर, तो बस आपको करना क्या है, ये कॉस इन्वर्स माइनस वन बाई रूट टू का मान क्या आ गया थ्री पाई बाई फोर, यही इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब अगले चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर टेन, कॉसेक इन्वर्स माइनस रूट टू, ये किसका मान होता है, तो बस इसको एक्स मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये इन्वर्स हटा तो इधर आया, तो कॉसेक एक्स हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस में है रूट दो है तो रूट दो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉसेक एक्स छोड़ दीजिए, माइनस ये रूट दो, कॉसेक कितना का मान होता है, तो पाई बाई फोर का, ये कॉसेक से कॉसेक खत्म, यानी कि एक्स बराबर माइनस पाई बाई फोर हो गया, तो ये कॉसेक इन्वर्स माइनस रूट टू का मान कितना होता है, पाई बाई फोर, माइनस में है, ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे साथ बने रहिए, और ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अधिक वीडियो अपलोड करूं, और मैं आपको ये जो मैथ का आपको जो डर है ना, मैथ का डर मैं आपके अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दूं, ठीक है, ऐसा प्रयास कर रहा हूं। तो बस आप मेरे साथ केवल बने रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करिए, ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियो टाइम टू टाइम यानी समय समय पर अपलोड करते रहूँ, और आप भी अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहें, ठीक है। तो ये अगले जो हम इसके बाद में मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, पार्ट टू में इसके बाद मैं पार्ट टू वीडियो अपलोड करूँगा थ्री, ठीक है ना, तो थ्री में आपको जो अपलोड करूँगा इसके बाद वाले, यानी कि टू पॉइंट एक्सरसाइज जो वन है ना, इसके बाद में अपलोड करके आपको बताऊँगा, टू पॉइंट वन में जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।